brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस से खौफनाक खबर सामने आई है, जहां एक धार्मिक सत्संग में भगदड़ हो गई और कम से कम 100 लोगों की जान चली गई है, ऐसा शुरुआती जानकारी बता रही है। आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। घटनास्थल से आई तस्वीरें और वीडियोस भयावह हैं। इस घटना पर हम आज के लल्लन टॉप शो में बात करेंगे। कुछ मिनटों में सैकड़ों परिवारों के उजड़ने का जिम्मेदार कौन है? ये जानलेवा भगदड़ें क्यों होती हैं और क्यों इन्हें हम रोक नहीं पा रहे हैं? आज इस पर बात होगी और उसके बाद चलेंगे संसद भवन, जहां कल राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए। इसे लेकर राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया और दिन भर की बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलने आए, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप शो। बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से। उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस के सिकंदरा राव इलाके का गांव फुलरई, ये जगह एटा जिले से सटी हुई है। यहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग था नारायण साकार हरि का, जिन्हें उनके अनुयायी भोले बाबा कहते हैं। महीने के पहले मंगलवार यानी 2 जुलाई के दिन ये सत्संग शुरू हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे यहां पहुंचे हुए थे। सत्संग देर दोपहर खत्म हुआ और अचानक से वहां पर भगदड़ शुरू हो गई। भगदड़ का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वहां वो क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन घायलों ने जो बताया वो आप सुन लीजिए। सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दिन हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहां बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी निकल रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पांव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके चढ़ गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। जैसे कि उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, तो वो क्या नाम है, नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या एक तरीका से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पहले तो एकदम पब्लिक इधर आ गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए, तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगढ़ एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है, तो एकदम भक्तगढ़ वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए, तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए, तो एक दूसरे पर गिरे हैं और जो रपटन थी पानी की, तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के लगाने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे उसमें, कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। तो होगी कम से कम तो 10-20 हजार के लमसम यहाँ भीड़ थी, ज्यादा से ज्यादा। मेरे साथ थे आप यहाँ, सत्य के साथ में आए थे, मेरे साथ में आई थी मेरे छोटे भाई, पड़ोस के उनकी बहू आई थी, पत्नी जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की, वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक वो एक नहीं है। इस पूरी घटना पर पुलिस प्रशासन का भी बयान अभी आ गया है। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था, जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। ये फूलगढ़ी क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हाथरस के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थीं। और प्रवचन खत्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पर सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ, और उसके बाद इस हादसा हमको पता चला।
बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारी संवेदनाएं प्रदेश सरकार की और शासन प्रशासन पुलिस बल सबकी संवेदनाएं संतप्त परिवारों के साथ हैं। ये जो आधिकारिक सूत्रों से ज्ञात हुआ है करीब 50-60 कंफर्म डेथ टोल है यहाँ हाथरस से और 15 उपचाराधीन हैं और एटा में करीब 27 लोग मृत बताए गए हैं और करीब 3 लोग वहाँ पे उपचाराधीन हैं जो काफी सही हालत में हैं। और फिर भगदड़ के दृश्य भी सामने आए, घायलों को लोग उठा करके अस्पताल लेकर के जा रहे थे, कोई ऑटो से तो कोई बाइक से अपनों को लेकर के अस्पताल पहुंचा, ट्रॉलियों ट्रकों में भर करके लोगों के शवों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा था। त्रासदी ऐसी कि अस्पताल की सीढ़ियों तक बच्चों और महिलाओं के शव रखे हुए थे। इन शवों के बीच छोटे छोटे बच्चे बैठकर रो रहे थे। अकेले हाथरस से सटे एटा के जिला अस्पताल में 27 शव पहुंचे हुए थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज फ्लैश के मुताबिक कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी थी। दैनिक भास्कर ने मृतकों की संख्या कम से कम 122 तक बताई है। मरने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं की बताई जा रही। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 27 शव आ चुके, जिसमें 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। और हम लोग ने मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट कर दिया, अगर किसी अवस्था में घायल भी पहुँचते हैं तो उनका तत्काल हम लोग उपचार कर पाएं। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में भी हमारी सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की टीमें वहाँ अलर्ट मोड में, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हम लोग ने अरेंज कर दिए कि बॉडी पोस्टमार्टम में हम देर ना हो और जल्दी से जल्दी हम लोग उसे डिस्पोज ऑफ कर पाएं। हमारी 3 टीमें यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं विद स्वीपर एंड डॉक्टर्स के साथ। शव वाहन भी भेज दिए गए हैं, 5 एम्बुलेंसेज भेज दी गई हैं यहाँ से और शव वाहन भी यहाँ से जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स की टीम भी मेडिकल जो हमारे विद पैरामेडिकल इनको भी हमने मूव करा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के हवाले से लिखा है कि सत्संग कराने वाले भोले बाबा एटा के पटियाली तहसील के रहने वाले हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर के 27 साल पहले उन्होंने एटा, हाथरस और आसपास के जिलों में सत्संग का काम शुरू किया था। घटना के सामने आते ही राज्य सरकार भी हरकत में आई है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया, अधिकारियों को उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी मौके पर रवाना कर दिया गया है। इस हृदय विदारक खबर पर ललन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। हमारे रिपोर्टर वहां के लिए रवाना हो गए। वो पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए घायलों को और 2,00,000 रुपए मृतकों के परिवारों को दिए जाएंगे। इसमें है प्राइवेट अस्पतालों में, वो प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार इलाज करा रही है और सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करा रही है, आयुष्मान अस्पतालों में भी इलाज करा रही है। सुबह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जुलाई 2024 यानी सोमवार, इस दिन लोकसभा की कार्यवाही आम दिनों से ज्यादा चली। खबरें तो यहां तक आई कि कार्यवाही का समय रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था। दिन बदला, सुबह हुई और एक कागज का टुकड़ा वायरल हुआ। ये था आदेश स्पीकर ओम बिरला का। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए जो भाषण दिया था, स्पीकर ओम बिरला ने उसके कुछ हिस्सों को एक्सपंज करने का आदेश दिया। एक्सपंज करना यानी उस हिस्से को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा देना। यह अधिकार स्पीकर के पास ही होता है। इसमें वो हिस्सा भी शामिल है जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हिंसा और नफरत के आरोप लगाए थे, अग्निवीर योजना पर बात की थी, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी का नाम भी लिया था और मौजूदा सरकार पर उनका करीबी होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस वक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके ऐसी 13 टिप्पणियां गिनाई हैं जिन्हें स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया और जो राहुल गांधी के भाषण में थी। उनमें से कुछ ये रहीं। बीजेपी के लोग 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य फैलाते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर सीधे दिल पर लगा है और देखिए अब चुप हो गए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अग्निवीर को आपने यूज एंड थ्रो मजदूर बनाया है, आपने हिंसा नफरत फैलाई माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अडानी थे, अंबानी थे, दोनों के नाम हटाने को कहा गया स्पीकर ओम बिरला की ओर से।
राहुल गांधी के भाषण के ये हिस्से काटे गए तो 2 जुलाई के दिन राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा कि स्पीकर के पास ये शक्तियां होती हैं कि वो सदन में हुई कुछ बातों को एक्सपंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उन्हीं बातों को एक्सपंज किया जा सकता है जिनकी परिभाषा लोकसभा की रूल बुक में लिखित नियम संख्या 380 में साफ की गई है। इसलिए मुझे ये चंबा हो रहा है कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा एक्सपंज बताकर कार्यवाही से क्यों हटा दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपंज किए गए हिस्से रूल 380 के तहत नहीं आते हैं। मैंने केवल तथ्य और जमीनी सच्चाई बताने की कोशिश की थी। मेरी बातों को एक्सपंज करना संसदीय लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है। मैं अनुराग ठाकुर की बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जिनकी स्पीच में केवल आरोप थे लेकिन उनके भाषण के सिर्फ एक शब्द को एक्सपंज किया गया। ये सेलेक्टिव एक्सपंज करना इस पूरी कार्यवाही पर ही सवाल उठाता है। मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरे एक्सपंज किए गए हिस्से को वापस लिया जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात भी की। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। राहुल गांधी जिस नियम 380 की बात कर रहे हैं वो दरअसल है क्या? संसद में सारा कामधाम रूल बुक के हिसाब से ही होता है और इस रूल बुक का नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसमें एक नियम है 380 जिसमें लिखा है कि यदि स्पीकर को लगता है कि डिबेट में इस्तेमाल किए गए शब्द अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय या अशोभनीय हैं तो स्पीकर अपने विवेक का प्रयोग करके ऐसे शब्दों को कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकते हैं। इसी नियम का हवाला राहुल गांधी दे रहे थे लेकिन राहुल गांधी के पत्र के जवाब में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी लोकसभा स्पीकर को एक नोटिस दिया। इस नोटिस में बांसुरी स्वराज ने लिखा कि राहुल गांधी ने अपने 1 जुलाई के भाषण में 3 गलत बातें कही। उन्होंने अग्निवीर स्कीम पर जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाई और कहा कि अग्निवीरों को शहीद होते समय कोई भी अनुदान राशि नहीं मिलती जबकि भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की धनराशि उन अग्निवीरों को दी जाती है जिन्होंने सीमा पर या युद्ध में अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों को आतंकवादी कहती है जबकि ऐसा कभी भी हमारी सरकार या भाजपा द्वारा नहीं कहा गया। उन्होंने यानी राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को कोई MSP नहीं मिलती है जबकि ये कहना भी गलत है। सरकार हमेशा किसानों को MSP देने की पक्षधर रही है। 19 जून 2024 को ही सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए MSP देने की घोषणा की। मासूरी स्वराज ने स्पीकर के निर्देश नियमावली के नियम 115 का हवाला दिया और कहा कि उसके आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या है नियम 115? इसका जिक्र संविधान की रूल बुक में नहीं मिलता बल्कि इसका जिक्र है लोकसभा स्पीकर के दिशा निर्देशों वाली किताब में। इस किताब में निर्देश संख्या 115 के खंड 1 के अनुसार सदन का कोई सदस्य यदि किसी मंत्री या किसी सांसद के भाषण में किसी चूक या तथ्यात्मक गलती की निशानदेही करना चाहता है तो वो सदन को संबोधित करने के पहले स्पीकर को पत्र लिखेगा। इस पत्र में वो इस चूक या गलती पर सदन में बात करने के लिए स्पीकर से परमिशन भी उसको लेनी होगी। अब रुख करते हैं सपा सांसद अखिलेश यादव के भाषण का। जैसे कुछ महीनों पहले तक वो विधानसभा में शेर सुनाते थे, चुटकियां लेते थे, वही अंदाज लोकसभा में भी उनका दिखा। उन्होंने अपने भाषण में नीट के कथित पेपर लीक के केस और जातिगत जनगणना पर फोकस रखा। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। और अखिलेश यादव के भाषण में वो मौका भी आया जब उन्होंने EVM पर सवाल उठाए और उन्हें जवाब भी मिला। उनकी ही पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले और अब भाजपा से सांसद SP सिंह बघेल से। EVM पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा,
मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। और जहां तक बिचारी ईवीएम का सवाल है, 2007 में पूर्ण बहुमत की इसी ईवीएम से बीएसपी ने सरकार बनाई थी, 2012 में श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार इसी ईवीएम से बनी थी, और आज उनके घर के 500 लोग जो जीते हैं वो इसी ईवीएम से जीते हैं। तो जिन लोगों का बूथ कैप्चर में विश्वास होता होगा या बहुत डंपिंग में होता होगा, वही ईवीएम से, जो ईवीएम का एक प्रोसीजर है उससे 100% नहीं हो सकता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोलने के लिए खड़े हुए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत की राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंबित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। एक मौका आया जब पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी ने चुटकी ली भाजपा पर, उन्होंने कटाक्ष किया और स्पीकर ओम बिरला पर ऐसी टिप्पणी की कि वो शर्मा गए। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240, वो गेम में भी हारा गया। सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा, एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको सिर्फ आप ही है आप अंदर में। लेकिन इन बहसों के बीच एक मौके पर सबकी निगाहें थी, शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद को संबोधित करना था, लेकिन उनका संबोधन शुरू होता उधर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ में जमकर बहस हुई एक बार फिर। आप मेरी बात को नहीं समझ पाए, जितना मैं आपका आदर करता हूँ उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है, मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है, देखिए मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नमूदार हुए, उन्होंने तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया और विपक्ष पर कुछ इस तरह प्रहार किए। मोदी महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है, मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम
अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ये था आज का एलन टॉप शो। इन खबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे डेली शोज और दूसरे न्यूज़ वीडियोस का रुख कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल एलन टॉप। शुक्रिया। शुभरात्रि।